आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज है सैटरडे और आप जब जा रहे हैं सुंदरनगर तक, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर अभी हम जाएंगे। तो अभी हम पहुँच गए हैं कोठी पुल के ऊपर, चांदपुर ब्रिज, और आज हम जाएंगे माता मुरारी जी के मंदिर। ये जो सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, कैमरा में साफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल बादलों से ढक गई है पूरी पहाड़ी। तो यहाँ पे बहुत ही पुराना मंदिर है एक माता मुरारी जी का, तो आज हम वहीं जाएंगे। पूरे 50 किलोमीटर का ट्रैवल रहेगा, तो जल्दी से चलते हैं। पहुँच चुके हैं टनल के पास। ये है टनल नंबर 4। ये होगी कम से कम भी 800-900 मीटर लंबी टनल होगी, जो कि अभी हम 4 लेन से जा रहे हैं। ये है, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी हम रुके हैं मंदिर जाते हुए रास्ते में, तो अभी मैं आपको कुछ एक लोकेशंस दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी लोकेशंस हैं। हमने देख सकते हैं अभी थोड़ी यहाँ बारिश भी हुई है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अभी हम हैं मंडी सुंदरनगर से थोड़ा दूर, और ये कच्चा रास्ता है, बहुत ही खतरनाक, गाड़ी में मिट्टी ही मिट्टी लग चुकी है। अभी हम पहुंच गए हैं, पार्किंग में हमने गाड़ी लगा दी है, और अभी हम थोड़ा पैदल जाएंगे। 2-3 मिनट का रास्ता है ऊपर। थोड़ा पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए हैं फाइनली माता जी के मंदिर में। जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ से भी एक ट्रैक है, पर इस बार हम गाड़ी में आए हैं तो हमने दूसरे रास्ते से आए। हम यहाँ से पड़ता है 30 किलोमीटर आने एक साइड का, और यहाँ से पड़ता है 20 किलोमीटर। पिछली बार हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ से पौड़ियों से पैदल होते हुए आए थे। अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक साइड में एक पार्क भी है, तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है और बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है। धुंधी धुंध आ गई है, कैमरा में नहीं आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि हम पूरे बादलों में आ गए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, पूरी धुंधी धुंध है यहाँ पर। और ये है माता मुरारी जी का मंदिर, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, पर ये धुंध से ढक चुका है अभी तक, और अभी और धुंध आ रही है यहाँ, क्या पता बारिश ही हो जाए। थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी यहाँ पर। अभी हम ले लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। Thank you.
बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं। ये जो सामने आप रास्ता दिखाई दे रहा है और कुछ लोग भी चले हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर का भी पैदल ट्रैक है। अगर हमने इस रास्ते से आना हो जैसे भी आप आ सकते हैं। नीचे भी एक माता जी का मंदिर है। आए हैं वापस और यहाँ पे बारिश लग गई है, पूरा मंदिर धुंध में ढक चुका है। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। चारों तरफ धुंध ही धुंध हो गई है, बहुत ही सुंदर वेदर यहाँ पर। बारिश लगती है यहाँ पे, बारिश लगे हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो इसी के साथ आप सभी को टाटा, बाय बाय, राम राम, कल मिलेंगे आप सबसे।